हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजन वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ABC क्लासेस। ठीक है, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपने ये उनतीस रुपये पे करके ये बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो इसके बहुत ढेर सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, दो चाय तीन चाय की कीमत है ये। आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने गुरु जी को तीन चाय पिला दिया है। ठीक है, बस अब देखिए लेखपाल मैथ्स 2525 बैच का मतलब क्या है। ठीक है, यहां पर मैं आपको इतना ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और इतने सटीक तरीके से कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके 25 में से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। बस आप लगातार मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको नोटबुक बनाइए, ठीक है ना, ताकि अब आपको एक बार मैथ पढ़ने के बाद बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको बार बार रिवाइज भी करते चलिए। ठीक है, उसको रिवाइज भी करते चलिएगा। तो नमस्कार, आज लाभ और हानि का पार्ट वन मैं पढ़ाने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आप कितने तरह के प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुल 13 तरह लिखा हुआ है, कुल 13 तरह के प्रश्न आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सारे आपके टाइप है, ठीक है, 13 टाइप के प्रश्न आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको जब लाभ और हानि शुरू करने से पहले यहां पर कुछ वर्ड यूज होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब जहां पे भी क्रय मूल्य यूज होगा उसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर सीपी बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी लिखा जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। ओके, उसी तरीके से दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे और शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखेंगे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। अब अगला क्या है, देखिए सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो है उस अगर वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से या फिर क्रय मूल्य से, तो आपका क्या हो रहा होगा? आपका लाभ हो रहा होगा। जैसे 100 रुपए में बेचा और 90 रुपए में खरीदा, तो यहां पे क्या हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, विक्रय मूल्य अगर कम है क्रय मूल्य से तो आपकी हानि हो रही होगी, मतलब कि लॉस हो रहा होगा। ठीक है, एक अगला फॉर्मूला आता है कि लाभ निकालने के लिए। लाभ क्या, लाभ कैसे निकलेगा? तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब हम घटाते हैं तो लाभ निकलता है। और हानि कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को जब हम घटाएंगे तो आपका क्या निकलता है, हानि निकलता है। अगर क्वेश्चन में ज्यादातर क्या पूछते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा सीपी गुणे 100। आपके पास केवल यही, यहां पे कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास है लाभ प्रतिशत, इसके बारे में हम बात करेंगे। लाभ लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, और लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। इसको हम लिख सकते हैं एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणे 100। ठीक है, बराबर ये हो गया। अब हम इसको एक बार और लिख सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी माइनस वन, ये और ये कट गया, माइनस वन गुणे 100। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, आगे कहीं यूज होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं हानि प्रतिशत की अगर बात करूं तो क्या होता है, हानि बटे सीपी गुणे 100। ठीक है ना, तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणे 100। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एसपी अपॉन सीपी गुणे 100। ठीक है, ये आपका हो गया प्रतिशत हानि। ठीक है ना, तो ये और ये फॉर्मूला भी अलग से आपको देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है ना, बाकी चीजें तो अब जब हम पढ़ेंगे तो आगे समझाते चलेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ यहीं पे समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने से
क्या होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रतिशत जब पढ़ाया था तो आपको बताया था 20% का लाभ, ठीक है ना। जब लाभ हो रहा है 20% का, इसका मतलब 100 में हम क्या करेंगे, 20% को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120%। और बेचा कितने में जा रहा है, 270 रुपये में। तो हम ये कहेंगे 120% जो है आपका 270 रुपये के बराबर है। तो लाभ और हानि के क्वेश्चन में आपको हमेशा सीपी निकालना ही निकालना पड़ेगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहां से सीपी हमेशा क्या होता है, एक बात और ध्यान रखिएगा, सीपी हमेशा 100% होता है। तो यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। अब इसको इसको काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 9 27, और ये कट गया तो हो गया 25। तो अब कितना हो गया, 100% जो है आपका कितना आ जाएगा, 25 गुणे 9, ठीक है, 25 चौक 100, 25 अटे 200, 225 रुपये आपका हो गया सीपी। 225 रुपये क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, ठीक है ना। अब आगे हम जब बात करेंगे इस पे, यहां से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, ये मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको 225 रुपये में सीप खरीदा था, ये खरीदने वाला रेट है, ठीक है। अब आपको कितने में बेचना है कि क्या हो जाए, 20% का हानि हो जाए। तो 225 रुपये जो है, 20% का हानि मतलब क्या हो गया, 100 में से 20 घटा देंगे तो कितने में बेचना है, 80% में। तो इसका 80% अगर हम निकाल लें तो वही आपका आंसर हो जाएगा, दो चौको 8, 2 5 10। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लूं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर आप इसको आगे डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, बचा 2 5 25, तो आपका कितना आ गया, 45 गुणे 4 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2 4 चौक 16 और 2 18, 180 रुपये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ लीजिए, आप सभी को बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। जिसको कम स्पीड कम लग रही हो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले अपने सेटिंग में जाके, यूट्यूब की सेटिंग में जाके, ठीक है ना। अब देखिए, तो आपके जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था, कितना था बच्चों, 125 रुपये, ठीक है। जब 20% लाभ पे बेचा गया तो कितने में बेचा गया, 270 रुपये में। और जब 20% हानि में बेचना होगा तो कितने में बेचेंगे, 180 रुपये में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 1140 रुपये में बेचने से 40% की हानि होती है। 1140 रुपये में जब बेचा गया तो 40% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है 60% जो हमारा होगा वो 1140 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से हम अगर 1% लिख लें, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1140 बटे 60 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लें, ये हमारा 1% आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब अगर हम इसको 100% करते तो हमारा सीपी आ जाता जैसा मैंने पहले किया था। आगे क्या कह रहा है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, ठीक है ना। तो आपको 1% की वैल्यू पता चल गई, 40% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 140%, 140%। तो हम ये 1% जो निकला हुआ है इसी का 140% अगर हम निकाल दें, 1140 अपॉन 60 × 140, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 0 से 0 कट गया हमारा, और ये हम अगर काट दें, 2 3 6 2 7 14 और 0, ठीक है। आगे भी कटेगा तो ये देखिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और बचा कितना, 2, और 3 8 24, ठीक है। अब कितना हो गया, 0 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5 7 3 21 और 5 कितना हो गया, 26। तो आपका कितना आ गया, कितने रुपए में बेचा जाए, 2660 रुपए में, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए पहला थोड़ा सा लंबा था, दूसरा देखिए थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, ठीक है,
यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया होता तो 40 रुपए अधिक मिलते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार देखते होंगे एग्जाम में। तो उस वस्तु का सीपी बताइए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को क्या किया गया, पहले 10% हानि पर बेचा गया है और हमें पता नहीं है कि उस वस्तु का सीपी कितना था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 100 रुपए था, ठीक है, कितना था, 100 रुपए था। अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 10% हानि पर बेचा गया, 10% हानि पर बेचा गया, बेचा गया मतलब अब वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और 10% हानि पर जब बेचा जाएगा तो कितने में बेचा गया, 90 रुपए में बेचा गया। यहां तक बात समझ में आ गई, माना 100 रुपए में खरीदा था और 10% हानि पे जब बेचा तो 90 रुपए में बेच दिया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया होता, मतलब जो 100 रुपए है, अब यहां पे दूसरा सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो आपका सीपी 100 रुपए है, अगर उसको 10% लाभ पर बेचा गया होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 110 रुपए होता, कितना होता, 110 रुपए होता, ठीक है। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया पहला वाला सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपका दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। तो क्या होता, 40 रुपए अधिक मिलते, ठीक है, 40 रुपए अधिक मिलते। देखिए यहां पे 90 और 110 में कितना अंतर है, 90 और 110 में कितने का अंतर है, 30%, कितना, 20 का अंतर है, कितना अंतर है, 20 का अंतर है, यहां सेलिंग प्राइस में 20 का अंतर है और रुपए में कितने का अंतर है आपका, 40 का अंतर है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के बराबर है और हम 100% अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 40/20 × 100, और ये काट दिया आपने तो कितना हो गया, 200 रुपए, कितना हो गया, 200 रुपए। बात समझ में आ गई बच्चों, आ गई। एक दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है ना, चलिए सेकेंड मेथड देखिए, ठीक है। मान लेते हैं, माना जो सीपी था वो कितना था, 100 था। पहला कह रहा है 10% लॉस पे बेचा गया, मतलब कितने परसेंट पे बेचा गया, 90% पे बेचा गया। जब 90% पे बेचा गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कितने पर बेचा गया, 100 रुपए में बेचा गया, ठीक है, कितने में बेचा गया, 100 रुपए में बेचा गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। 90% में जब बेचा गया तो कितने में बेचा गया, 100 रुपए में बेचा गया। और दूसरा क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब 110% पे जब बेचा गया, 110% पे, एक सेकेंड, जब 110% पे बेचा गया तो कितने का बेचा गया, 100, जब 10% का तो कितने का बेचा गया, 40 रुपए का लाभ होता है, तो 140 रुपए हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर हम अंतर निकाल लें तो 20% और यहां पे अंतर निकाल लें तो 40 रुपए का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चों, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन, पहला वाला ही देख लीजिए, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को एक बार फिर से ये समझा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है, समझिएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि उसे 10% हानि पर बेचा गया होता तो उसे 70 रुपए अधिक कम मिलते, सॉरी 70 रुपए क्या होते, कम मिलते, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। तो देखिए सीपी हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं सीपी कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। अब इधर लिखिए फर्स्ट कंडीशन और इधर लिखिए सेकंड कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन कह रहा है 15% लाभ पर बेचा गया होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 115 हो जाता, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, यदि 10% हानि पर बेचा गया होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 90 हो जाता, और तो क्या होता, 70 रुपए कम मिलते। अब यहां पे सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, 115 और 90 में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है, और रुपए में कितने का अंतर है, यहां पे 70 रुपए कम मिलते, 70 रुपए। तो हम क्या कहेंगे, 25 70 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70/25 × 100, ठीक है, और 25 चौक कितना हो गया, 100, और 7 चौक 28, तो कितना आ गया, 280 रुपए। ये आपका क्या हो गया, वस्तु का सीपी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये भी समझाया, ठीक है। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बार आप सभी ने एग्जाम में देखा होगा इस तरह का, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है, तो
तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको करने का मैं आपको दो दो तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहला तरीका, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है 12 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। एक लाइन जो क्वेश्चन ने बोला वो मैंने लिख लिया, ठीक है। यहां से अगर मैं एसपी अपॉन सीपी निकालूं, एसपी अपॉन सीपी निकालूं तो क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी तो क्या हो गया आपका 15/12, ठीक है। ये सीपी को मैं नीचे ले आया और 12 को नीचे ले गया, ठीक है। 12 नीचे गया और सीपी इधर नीचे आया, ठीक है ना। ये आपका हो गया एसपी अपॉन सीपी, कितना आ गया 15/12। ओके, मतलब खरीदा कितने में था, 12 रुपए में, बेचा कितने में, 15 रुपए में, तो लाभ कितने का हो गया, 3 रुपए का। कितने का लाभ हो गया, 3 रुपए का, ठीक है। 3 रुपए का लाभ हो गया ना। अब आपको जब पता चल गया 3 रुपए का लाभ है तो क्या हो रहा होगा, लाभ प्रतिशत ही निकालना होगा। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, लाभ कितना है 3, और सीपी कितना है 12 गुणे 100, ठीक है। और 3 चौक 12, और इसको हम काट देंगे तो कितना हो गया, 25%, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है ना, सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन ने कहा। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन की लाइन मैंने लिख दी। अब इसको आप क्या करो, जो एसपी लिखा है उसको सीपी लिख लो, जो सीपी लिखा है उसको एसपी लिख लो, ठीक है। अब सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 12 रुपए, और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 15 रुपए। तो खरीदा कितने में था, सीपी का मतलब हो गया खरीदने का मूल्य, कितने में खरीदा था, 12 रुपए में, और एसपी मतलब क्या हो गया, बेचने वाला मूल्य, तो बेचा कितने में, 15 रुपए में। आपने 12 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, 3 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया, 3 रुपए। तो फिर से हम 3% निकाल, लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो 3/ क्या हो जाएगा, 12 गुणे 100, ठीक है। नीचे हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 25% ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वस्तुओं का सीपी, 18 वस्तुओं का सीपी जो है 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसको काट के आप क्या कर लो, सीपी कर लो, इसको काट के आप क्या कर लो, एसपी कर लो। मतलब खरीदा आपने 21 रुपए में और बेचा आपने 18 रुपए में, तो यहां पे आपको क्या हो गया, हानि हो गया। कितने का हानि हो गया, 3 रुपए का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस, लॉस कितने का है, 3, और बटे सीपी, और सीपी कितना है, 21 गुणे 100, ठीक है। 3 सते 21, 100/7 कितना हो गया, 100/7। इसको आगे जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%, ठीक है ना, 14 सही 2/7%, यही आपका आंसर हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में, ठीक है ना, तो यहां पे हम रुपए लिख लेते हैं, 20 रुपए में 25 की दर से पेन खरीदा। यहां पे क्या खरीदा, पेन खरीदा। 20 रुपए में कितना पेन खरीदा, 25 पेन खरीदा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सीपी की बात कर रहा है, खरीदा है ना, 20 रुपए में 25 पेन खरीदा है। फिर क्या कह रहा है, 25 रुपए में 20 की दर से बेच दिया। अब 25 रुपए में 20 की दर से पेन बेचे, मतलब 25 रुपए में 20 पेन बेच दिया, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये जो रुपए है ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस है। अभी तक क्वेश्चन ने जितना कहा मैंने उतना ही लिखा, ठीक है। अब यहां पर एक नोट बना लीजिए, क्या ऐसे क्वेश्चन ना कि 20 रुपए में 25 पेन खरीदा और 25 रुपए में 20 पेन बेचा, तो यहां पर पेनों की संख्या जो है, पेन की जो संख्या है वो हमको क्या करनी होगी, बराबर करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है वस्तुओं की संख्या को हमको, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो भाई यहां पे 25 है और यहां पे 20 है, तो बराबर करने के लिए हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लेते हैं, 25 और
20 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा 25 दुना 50 या 100 हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, 100 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो अब एलसीएम जब 100 हो गया तो यहां पे हम 4 का गुणा करेंगे तो 100 हो गया, यहां पे 5 का गुणा करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, और यहां पे भी 4 का करना पड़ेगा और यहां पे 5 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नया अब क्या हो गया, अब आपका जो होगा देखिए सीपी कितना हो गया 40 दुना 80, 20 मतलब 4 दुनी 8, सीपी कितना हो गया 80 हो गया, और पेन की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 25 पच्चे 125, कितना हो गया 25 पच्चे 125, और पेन कितना बेचा 100 पेन बेचा। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ठीक है ना। अब आप बता सकते हैं कि जब 100 पेन 80 रुपए में खरीदा है और 100 पेन 125 रुपए में बेच रहा है तो यहां पर आपको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो गया, तो भाई 5 और 12 में से 8 गया 4, 45 का लाभ हो गया। क्या हो गया, 45 रुपए का आपको लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 45 रुपए का लाभ हो गया। किस पर हो गया, तो हमेशा नीचे क्या होता है सीपी होता है, और अब सीपी क्या है आपका नया वाला 80 है, 80 गुणे 100, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से 0 से 0 काट लीजिए, 2 चौको 8 हो गया, 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, इसको आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, करके दिखाऊं क्या, 5 25 का 5, 80 लगा 2, 5 20 2 22 बटे 4, तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 5 20 बचा 2, और 2 और 4 6 24 बचा 1, तो 1/4, 56 से 1/4%। बात समझ में आई बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड बता देता हूं आपको, एक और मेथड बता देता हूं। ठीक है ना, तो मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मतलब नोटबुक तो तैयार करते रहिएगा। सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखिए सीपी था 25 रुपए में 20 पेन खरीदा, ये रुपए था और ये पेन था। ठीक है, और एसपी क्या था, 20 रुपए में 25 पेन बेचा। ठीक है ना, यही था ना। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे 25 का गुणा इसमें करना है। ठीक है, 25 का गुणा इसमें करना है, एक बार क्वेश्चन देख लें सही है। सॉरी, सीपी है 20 और 25, ठीक है मैंने उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन देखना चाहिए था ना। ये है 20 और ये कितना है 25, और ये कितना है 25, और ये कितना है 20। ठीक है, तो इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। ठीक है ना, बस इतना ही करना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, 25 गुणे 25 माइनस 20 गुणे 20, और बटे में क्या लिख लेंगे, 20 गुणे 20 और गुणे 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 माइनस 400 बटे 400, ये क्या हो गया आपका 225 बटे 400 गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया आपका, फिर से वही आ गया, तो आंसर कितना आएगा, 56 से 1/4%। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ने 18 रुपए में 15 की दर से पेन खरीदा, तो मतलब 18 रुपए में 15 पेन खरीदा, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और 20 रुपए में 20 रुपए में 25 की दर से पेन बेचा। ठीक है ना, ये आपने बेचा। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना होगा, ये जो वस्तु है पेन क्या है आपके, वस्तुएं हैं, वस्तु है, इसकी संख्या को बराबर करना होगा, तो हमें 15 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 15 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दुना 25 100 ही। देखिए कैसे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें जो जिसमें जो बड़ा वाला नंबर है ना 25, उसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, उतनी बार पढ़ेंगे जितनी बार में 15 से वो नंबर कट जाए, जैसे 25 दुना 50, 25 75, तो 75 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, क्योंकि वो 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। अब 15 चौक 60, 15 5 75, यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 का,
यहां पे भी 5 का गुणा करेंगे और यहां पे 3 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 18 25 8 पंच 40 90 हो गया, और ये कितना हो गया 20 23 60, ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 75 हो गया, और ये कितना हो गया 75 हो गया। तो वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई मेरे दोस्त, वस्तुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, और ये कितना हो गया 90 हो गया, और ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको दिख रहा है 90 रुपए में आपने खरीदा था, 60 रुपए में आपने बेचा, तो ये क्या हो गया भाई, 90 रुपए में खरीदा आपने और 60 रुपए में बेचा, तो आपका क्या हो गया, हानि हो गया। अब कितने का हानि हो गया ये बताने की जरूरत है, 30 रुपए का हानि हो गया, ठीक है ना, 30 रुपए का हानि हो गया। और अगर हम हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो 30 बटे CP कितना है, 90 है गुणे 100, ठीक है, तो 0 से 0 और 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। मजा आया, सेकेंड मेथड से भी बता दूं, चलिए बता देता हूं, आप सभी को प्यार से पढ़ाऊंगा और लेखपाल बना के ही रहूंगा, मैथ की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 18 रुपए में 15, ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा था, 20 रुपए में 25, यही कह रहा था ना। तो ये सीपी था आपका और ये एसपी था, एसपी था। मैंने क्या कहा था, इसको और इसको पहले लिख लेंगे, 20 गुणे 15 माइनस 18 गुणे 25, ठीक है, बटे में 18 गुणे 25, ठीक है, गुणे 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको होमवर्क में मैं दूंगा ही। चलिए अगला देखते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं यहां पे ये नहीं बताया है कि कितनी वस्तुएं हैं, 10 रुपए प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु 10 रुपए का है, और उतनी ही वस्तुएं 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, ठीक है, और उतनी ही वस्तुएं, जितनी वस्तु 10 रुपए की प्रति, 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से जो खरीदा था, जितना सामान उतना ही सामान 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, और उन्हें मिलाकर 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एक से एक लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करता है, मान लेते हैं 10 रुपए प्रति वस्तु, क्या लिखा है, 10 रुपए प्रति वस्तु, ठीक है, तो 10 रुपए में प्रति वस्तु 10 रुपए में एक वस्तु खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर दूसरा क्या करता है, 14 रुपए में प्रति वस्तु, मतलब 14 रुपए में एक वस्तु खरीदा, ठीक है, ठीक है ना। अब इनको अगर हम देखें मिला लें, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और वस्तुएं कितनी हो गई, 2 वस्तुएं हो गई, मतलब 2 वस्तुएं 24 रुपए में उसने खरीदी। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, ठीक है ना, 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, और वस्तुएं कितने हैं, वस्तुएं कितनी है, वस्तुएं 2 हैं, और 13 रुपए प्रति दर से बेचेगा, तो 2 वस्तुओं को जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 26 रुपए में बेचेगा। अरे जितनी खरीदेगा उतनी ही तो बेचेगा ना, जितनी खरीदेगा, 2 वस्तु खरीदा तो 2 उसने बेचा, कितने में बेचा, 26 रुपए में, तो यहां पे क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि खरीदा कितने में था, खरीदा 24 रुपए में था, तो लाभ 2 रुपए का हो गया। और लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटे CP, CP कितना है 24 है गुणे 100, ठीक है, इसको काट देंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1/12 गुणे 100, ठीक है। अब इसको जानते हैं परसेंटेज में, ये सारी चीजें याद अगर आप कर लोगे कि 1/12 कितना होता है, खैर ये सब तरीका होता है, मैंने आपको बताया तो नहीं है लेकिन बता देंगे कभी, ठीक है ना। तो ये अगर आप याद कर लोगे तो ये होता है 8 से 1/3%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला देखते हैं, 10वां, भाई मजा आ रहा हो ना, तो आप जैसे कि आप मेरे पे भरोसा करके आपने ये बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, FRIENDS, आपके फ्रेंड्स जो सीरियसली बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं और आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि जानते हैं मैं यहाँ पे इतनी ऑनेस्टी के साथ आपके लिए मेहनत करूंगा ना, कि
कि जितना भी आपका मैथ है पूरा कंप्लीट होगा और 100% आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि वो यहां से मैथ पढ़ें, बिल्कुल बेसिक तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही दर पर बेचा। इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, वस्तु कितनी है, दो वस्तु है, और प्रत्येक को एक ही दर पर बेचा, ठीक है। मतलब जितने की पहली वस्तु बेची है उतने ही की दूसरी वस्तु बेची है, तो एक पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक वस्तु पे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब 2% हो, ठीक है ना, 2% हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर परसेंटेज दोनों सेम है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। जैसे 20% का आपको लाभ हो रहा है और 20% का हानि हो रहा है, तो ये हमेशा लॉस ही होगा। देखिए, ये 20% का आपको लाभ हो रहा है तो प्लस का 20, हानि हो रहा है तो माइनस का 20, और प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है 20 × 20 / 100, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये और ये कट गया और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, माइनस का 4% आया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो रहा है, माइनस का 4% आपका हानि हो रहा है, तो यही तो पूछ रहा था, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो 4% का हानि हुआ। 4% का क्या हुआ मेरे दोस्त, हानि हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा 11वां क्वेश्चन। 10 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है, 10 क्वेश्चन करा दिए ना। अच्छा, अब ये 11वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अच्छा, लेकिन एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या क्या आप इससे लंबी क्लास चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या इससे भी बड़ी क्लास चाहिए, जैसे कि आप इतने में बोर तो नहीं हो गए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।